प्रिय साथियों, मैं नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है क्वाड्रेचर यानी कि क्षेत्रफल। ये क्लास ट्वेल्थ में आपके एट्थ चैप्टर है और मैथ्स के अंदर ये पार्ट कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग। तो समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर सीधा सीधा हम बात करें कि इसके अंदर आपके जो एरियाज है वो फाइंड करने होंगे यानी क्षेत्रफल फाइंड करने होंगे। हमारे पास कर्व गिवन होंगे, इसमें मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेचर यानी कि क्षेत्रकलन या क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये जैसे कह रहा है कि वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अक्ष और x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी के मध्य का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना, यानी कि एरिया कवर्ड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। ये हमारे पास यहाँ चार चीज दे रखी है। देखिए आपको करना क्या है इसके अंदर, सीधा सा हम बात करें जो आपके पास में इस तरीके से एक्सेस बना लेने हैं। देखिए इसके लिए आपको कर्व को ट्रेस करना आना बहुत जरूरी है। अब इसने सबसे पहले दे रखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो आप सपोज आपका वक्र है ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे वाई इक्वल टू एफ एक्स। और अब ये कह रहा है दूसरा एक्स इक्वल टू ए, सपोज ये जो आपके लाइन है ये एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू आपके दूसरी लाइन बी हो जाएगी, यानी एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी के बीच में, यानी आपके पास में ऊपर से तो हो गया कर्व जो हमेशा गिवन होगा ये वाला, और इधर हो गया एक्स एक्सिस ये दे रखा है जो इसने दे रखा है एक्स एक्सिस, और एक्स इक्वल टू ए यानी एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, यानी आपके जो एरिया फाइंड करना होगा आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में आपके y इक्वल टू एफ एक्स सीधा गिवन होगा और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी डायरेक्ट गिवन नहीं होंगे, तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो इसके लिए जो आपके एरिया होगा, इस एरिया की बात करूं मैं, तो ये एरिया आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी और y dx। ये आपके इसका मेन फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखते हुए एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। यहाँ y यानी इस कर्व से y की वैल्यू पुट करनी, फिर x के रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। अब सपोज ये क्या करता है, कितनी बार ये जो है, अगर मान लो y के लिए सोल्व नहीं हो पाता है कर्व, तो उस केस में आपको जो एरिया फाइंड करना है वो आपको क्या करना है, y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी और ये हो जाएगा x dy। उस कंडीशन में आपको ये वाला अप्लाई करना है। तो सीधा सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करते हुए आपको एरिया फाइंड कर लेना है। अब हम सिर्फ मैंने डायरेक्ट जो बात बता दी है आपको, ये चार चीज़ें आपको पकड़ लेनी है, चार तरफ से बाउंड्री। अब मैं इसके बेस पर एक क्वेश्चन जो लेता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का टोटल क्षेत्रफल निकालना। आपको पता है कि ये जो सर्कल है, क्योंकि जो सर्कल आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो केंद्र है सेंटर 0, 0 है और रेडियस आर इक्वल टू इसकी ए है। मतलब इसीलिए हमने इसको पहले से ही ये ट्रेस कर दिया एक्स एक्स डेज वाई वाई डेज। और अब इसके अंदर ये जो सर्कल है, हम एक काम करते हैं, हम जो बात मैंने इसके अंदर बताई है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मैं इसको इससे मैच कर दूं, त्रिज्या इसकी अगर ए है तो आप देखो ये आपके एक्स इक्वल टू ए यानी कि ज़ीरो वाई एक्सिस और ये आपके एक्स इक्वल टू बी यानी कि ए। अब आपके ऊपर का जो कर्व का जो पोर्शन हो गया ये वाला हो गया जो मैंने बताया था आपको, सीधा सा
मैंने बात की थी, ये वाला कर्व है ये इस तरीके से, तो ये जो पोर्शन है ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये आपके x इक्वल टू जो आपने a लिया था वो आपके ये हो गया x इक्वल टू जीरो, और ये आपके x इक्वल टू b लिया था तो ये आपके x इक्वल टू a हो गया, और नीचे ये x एक्सिस हो गया, यानी कि आपके एरिया जो हो जाएगा इस तरीके से ये वाला। यहाँ इसने पूरा सर्कल पूछा है, हमने केवल 1/4 लिया है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए वाई डी एक्स, और ये एरिया आ जाएगा 4 0 टू ए, और आपके इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स। बस ये हमने इसके अंदर पुट किया, और अब आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा, इसका फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है आपको पता ही होगा, तो मैं उस फॉर्मूले को यूज़ कर लेता हूँ, भले मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके ए स्क्वायर, मैंने जो समाकलन के जो क्वेश्चन डाल रखे हैं, लेक्चर डाल रखे हैं, वो उसके अंदर सब कुछ बता रखा है मैंने, तो ये जो फॉर्मूला आपके क्या होता है, ये होता है एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ आप पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर 4 और रूट यहाँ आपके x बाई टू, तो ये x बाई टू और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, और इस पूरे की जो लिमिट है वो 0 टू a हो जाएगी। आप एक काम करें, इस 4 को आप इंटू में बाहर ले लें, बस ये इसके अंदर किया काम, अब आपके कुछ बचा नहीं है, सिंपल सा काम हो गया, अब तो इसको सोल्व किया है डायरेक्ट, और सोल्व करते ही आपके ये बनेगा 4 इंटू ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा पाई ए स्क्वायर, यानी सिंपल सा काम, वैसे भी वृत्त का क्षेत्रफल अपन ने पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ आर की जगह आपके रेडियस ए है, तो आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने इसके अंदर खाली पैटर्न बताया है आपको, ये पैटर्न समझते हुए काम करना है। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो क्वेश्चन है एलिप्स का, सेम पैटर्न है आपके पास में, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एलिप्स का एरिया फाइंड करना है तो यहाँ पर भी आपके सेम वही तरीका होगा, ये आपके वही पैटर्न, ओरिजिन एक्स एक्स डेज वाई वाई डेज, और इसके अंदर आप एक काम करें, ये जो तरीका है आपको मालूम है कि ये आपके ए ए डेज जो दीर्घ अक्ष होता है जिसकी लंबाई 2a होती है, तो आपको मालूम है कि इसको मैं एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा, ये भी a है, ठीक है, और ये आपके x इक्वल टू 0, तो लिमिट तो आपके इसके अंदर भी 0 टू a हो जाएगी डायरेक्ट। और अब इसके अंदर आपको ट्रेस करने का पता ही आपको, अब इससे आप डायरेक्ट पहले y की वैल्यू निकाल लें, तो y की वैल्यू जो इससे आएगी वो आएगी प्लस माइनस b अपॉन a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके में आ जाएगी y की वैल्यू। तो अब आप इसके अंदर अगर इसको सोल्व करें तो सिस्टम वो का वही हो गया है, वही वाली पैटर्न आपको ले लेना है, एरिया क्या आ जाएगा टोटल, क्योंकि हम पहले केवल ये वाला पोर्शन ले रहे हैं इसके अंदर, ये वाला, ये अपना अपर कर्व, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपके लिमिट जो बन रही थी एक्स इक्वल टू
ए और वाई एक्स जो है एक्स इक्वल टू मतलब जीरो हो जाएगा। तो सीधा सा काम हो गया एरिया, मैं इसको चार से मल्टीप्लाई करूं और लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू ए कर दूं, और वाई डी एक्स, वाई डी एक्स यानी कि सीधा सा चलो लिख देता हूं वाई डी एक्स, और अब उसके बाद में फोर और वाई की वैल्यू हम पुट कर लें जीरो टू ए, और वाई की वैल्यू जो हो जाएगी बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए सेम वही पैटर्न जो अपन ने सर्कल में यूज़ किया और वही पैटर्न इसके अंदर आ जाएगा, आपके डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो टू ए, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन जो है वो आप कर चुके हो पहले से ही, तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ फोर बी अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू और पाई अपॉन टू, मतलब फाइनल जो इसका आंसर है वो आपके क्या हो जाएगा पाई ए बी। यानी आपको बता दूं कि इस प्रकार इलिप्स का यानी दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल है आपको याद रखना है कि पाई ए बी होता है, क्योंकि जब ये आपका इस इलिप्स के लिए अगर ये याद रह गया तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इजी हो जाएगा। वैसे भी ये सर्कल है, आप अगर इसके अंदर देखो कि बी इक्वल टू ए पुट करो तो ये आपके क्या बन जाएगा, ये आपके सर्कल बन जाएगा, तो ये एरिया ओरिजिनली आपके पाई ए स्क्वायर बन जाएगा जो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर लें। फिर मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इलिप्स से ही जुड़े हुए, अब यहाँ देखिए ये था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, अगर ये ए और बी की जगह कोई वैल्यू पुट करता है तो हम सीधी सी पाई ए बी में ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे आप देखें ये है मेरे पास में दो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ले रखे हैं कि इलिप्सिस के एरिया फाइंड करने हैं, और पहला है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 0। आपको पता है कि जनरली जो इलिप्स हमने लिया है ये वाला, ठीक है ना, और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका जो एरिया है अभी हमने डायरेक्ट निकाला था पाई ए बी, ये आपको पता है। तो अब आपके इस पहले वाले की बात करें तो पहले वाले का जो एरिया होगा वो पाई ए बी की बात करें तो इसमें आप देखो ये ए स्क्वायर बराबर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, तो ये पाई और ए का मतलब 4 और बी का मतलब 3, तो ये आ जाएगा आपके 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आपके इसका एरिया आ जाएगा। सेकंड जो है ये वाला कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी 2 और 3 हो जाएगी, तो सेकंड वाले का जो एरिया आएगा वो भी आप इसी तरीके से निकाल लें पाई ए बी, तो ये हो जाएगा पाई और ए स्क्वायर का 4 और 9, तो ये यहाँ पर 2 × 3 यानी ये 6 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जब इलिप्स की बात करें तो इलिप्स में आपको डायरेक्ट ही सोल्व कर लेना है, इससे आपके ये क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाएगा। अब हम बात करें अगला क्वेश्चन जो है वो है 4। क्वेश्चन 4 आपके कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स एंड एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू मतलब एक्स एक्सेस। तो देखिए इसने जो कहा है सीधा सा, चलो मैं इसको पहले ट्रेस कर लूँ, तो हमारे पास क्लियर दिख रहा है कि ये जो है ये एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स से इसको कंपेयर करें तो ये पैराबोला हो जाएगा जिस जो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बन जाएगा और ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा।
अब इसने कहा कि x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 के बीच का एरिया निकालना। सपोज ये आपके x इक्वल टू 1 और ये आपके हो जाएगा x इक्वल टू 4। दूसरा इधर x एक्सिस भी कह दिया इसने, मतलब आपके पास में जो बाउंड्री हो गई ये वाली, तो ये आपका ऊपर वाला कर्व, ये आपके x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू b और ये x एक्सिस, तो एरिया आपके पूछा जो है वो ये वाला है। तो आपके रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू, फॉर्मूला पता ही आपको, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b y dx, और ये हो जाएगा x इक्वल टू a यानी कि 1, 2, 4, और y का मतलब आप इससे y की वैल्यू पुट कर लें, रूट एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लें, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और लिमिट आपके हो जाएगी 1 टू 4। तो ये आपको इस तरीके से, ये जैसे ही आपके हो जाता है और उसके बाद तो कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशन बची है, जनरल कैलकुलेशन। तो क्या बन जाएगा, ये आपके 3/2 बन रहा है ये, तो इसको तो लिख दो आप, ये नीचे वाला आपके 3/2 बन रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, 3/2 यानी कि 2/3 और x पावर 3/2 और लिमिट 1 टू 4, तो ये 2/3 और x की जगह 4/3/2 माइनस 1/3/2, तो ये आपके क्या बन जाएगा, 2/3 और इसको आप लिख दे 2/, ध्यान रखना 2/2 इंटू 3/2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2/3 और 2/ यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7। तो ये आपके जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ गया, 14/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा काम है, जनरल मेथड मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। अब आप देखिए ऐसा ही क्वेश्चन में आगे और ले रहा हूँ, एक इस क्वेश्चन को आप देख लें। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सा इसने पूछ लिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे, पैराबोला वो का वो है, तो ये आपके पैराबोला और जो पैराबोला दे रखा है और लिमिट इसने दे रखी है ये x इक्वल टू 2, 2 x इक्वल टू 4 और साफ कह दिया इसने प्रथम चतुर्थांश का मतलब अब आपके एरिया ये वाला चाहिए। तो इससे आपको मिल जाएगा, आप पहले इससे y की वैल्यू निकाल लें, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√x और फिर आपके जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा x इक्वल टू 2 टू 4 और y dx यानी कि 3√x dx, बस ये आ जाएगा 3 आपके बाहर और रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो अपन ने अभी किया है वो 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो जाएगी 2 टू 4, तो ये हो जाएगा 3/2 यानी कि 3 तो पहले से ही है और ये बन जाएगा 2/3 और x पावर 3/2 और लिमिट है 2 टू 4, तो ये बन जाएगा आपके, ये 3 से 3 तो आपके कैंसिल हो गया, अब 2 बच रहा है यहाँ पर और ये जो आ रहा है आपके तो ये बचा 2 और अब यहाँ पर आपके अपर लिमिट रखनी है पहले, तो ये 4/3/2 माइनस 2/3/2, ये इसका सिस्टम बन जाएगा आपके। तो इसको अगर आप सोल्व करें तो कुछ नहीं है, चलो ये 2 और इसको आपने लिखा 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि ये हो जाएगा 8
माइनस ये बनेगा आपके टू रूट टू, ये टू रूट टू, तो ये आपके क्या आ गया आंसर फाइनली 16 माइनस फोर रूट टू स्क्वायर यूनिट, ये आपके इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो केवल सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जनरल चीज़ें ही आती है, ये आपके ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, वो है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स और इसके नाभिलंब के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये आपके सीधी सी बात है ये परवलय है और ये इसका एल एस एल डेज, ये इसका नाभिलंब है। आपको पता होगा नाभिलंब नाभि से गुजरता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए जीरो, क्योंकि हमारे पास परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो अब सीधी सी बात इसने पूछ ली है तो अपन पहले इससे y का मान निकाल लेते हैं, तो ये 4ax का रूट बन जाएगा और ये हो जाएगा आपके 2 रूट a और रूट x अलग चला जाएगा। अब इसने जो एरिया पूछा है वो नाभिलंब यानी कि लैटस रेक्टम और इस पैराबोला के बीच का एरिया पूछा है, क्योंकि इसने ये पूरा पूछ लिया है। देखिए नीचे तक का एरिया पूछा है इसने पूरा का पूरा, इसने एक्स एक्सिस नहीं कहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अभी तक केवल इस एक्स अक्ष के ऊपर का एरिया ही फाइंड करते आ रहे थे, ये वाला, ठीक है ना, ये कर्व आपका ऊपर का और ये आपके एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी, तो खाली अपन ऊपर का एरिया ले रहे थे ये, लेकिन यहाँ पर इसने पूरा पूछा है तो हम इसको डबल कर देंगे, तो ये टू और फिर आपके ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, ये आपके x इक्वल टू जीरो और ये x इक्वल टू a, तो ये जीरो टू a और y dx और ये क्या हो जाएगा टू और y का मान ये रखें तो ये टू रूट a और इंटीग्रेशन में जीरो टू a, ये आपके क्या बचेगा रूट x, बस ये बन गया आपके फोर रूट a और इसका इंटीग्रेशन आपके हो जाएगा थ्री बाई टू अपॉन 3/2 और लिमिट 0 टू a डाल दें आप, तो ये हो जाएगा 4 रूट a और इधर ये 3/2 यानी कि 2/3 बन जाएगा और अब लिमिट इसकी जगह हमें पुट करनी है 3/2 0 टू a, तो ये बन जाएगा आपके सोल्व हो रहा होगा, देखो 4 दुने 8 8/3 रूट दो, फिर यहां हो जाएगा आपके ये जो है x पावर 3/2 यानी कि a पावर 3/2 माइनस जीरो, ठीक है, ये बन रहा है और आपके बाहर एक रूट सॉरी ये यहां पर बाहर टू रूट टू ए चला था, फोर रूट यहां पर ये a चल रहा था आपके बाहर a, तो ये ए बनेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ गलती तुरंत पकड़ में आती है, क्योंकि यहाँ ए पावर जब अपन एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया में जो आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा, तो यहाँ तो रूट मतलब 3/2 बच रहा था, तुरंत मैंने बाहर देखा कि यहाँ जरूरी एक आधे ए की कहीं कमी पड़ रही थी, तो मैंने ये आधा ए यानी कि रूट का ए जो है बाहर बैठा था, तो ये आपके हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपके इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखें, कर्व वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करने की बात कर रहा है, तो यहाँ ये सीधी सी बात इसने कही है, पहले तो इस कर्व को आप ट्रेस करेंगे, तो कर्व को अगर ट्रेस करें तो ध्यान से देखें कि अगर इसके अंदर वाई इक्वल टू जीरो पुट करें y इक्वल टू जीरो, तो ये आपके बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इससे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आप देखो, एक तो आपके x इक्वल टू जीरो आ रहा है और दूसरा x इक्वल टू टू आ रहा है, मतलब ये x एक्सिस को जीरो और
टू पर ये मिल रहा है। इसका मतलब ये कर्व आपके इस प्रकार से चल रहा है, ये आपके ओ हो गया और ये आपके ए हो गया, इसके कोऑर्डिनेट आपके ए टू जीरो बन जाएगा। अब इसने जो पूछा है कि आपको एक सक्सेस और कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो ये एरिया फाइंड करना आपके, तो आपके जो एरिया हो जाएगा वो आपके क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है, लिमिट ज़ीरो टू टू एक्स की वाई डी एक्स, और ये आप वैल्यू पुट करें ज़ीरो टू टू और एक्स की, ये वाई की वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट यहाँ पे, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टू और एक्स का हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट आपके हो जाएगी ज़ीरो टू टू, और फिर एक्स इसकी लिमिट हो जाए, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री और लिमिट आपके ज़ीरो टू टू। बस ये इसके अंदर आपको लिमिट रखनी है, तो ये बन जाएगा टू इंटू, भले आप चाहें तो इसको टू को आप बाहर ले लें, फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपर लिमिट यानी कि फोर माइनस लोअर लिमिट यानी कि ज़ीरो, फिर इसका काम हो गया माइनस यहाँ पर वन अपॉन थ्री बाहर ले लें, तो अपर लिमिट रखें यहाँ टू पावर थ्री यानी कि एट माइनस ज़ीरो। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके जो फाइनल आंसर आएंगे वो बन जाएगा फोर माइनस एट अपॉन थ्री। तो बस ये इसको सोल्व किया और सोल्व करते ही आपके इसके जो आंसर आएंगे, चार तरह बारह में से आठ गए तो ये चार बचे, यानी कि फोर अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट, ये इसके आंसर आ जाएंगे। तो आपको इस जनरल, ये जो सारी जो मैंने जनरल चीज़ें बताई है, एक कॉमन एरिया अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, उस फॉर्मूले से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने सारे एक कॉमन क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन पहली बात इसके अंदर ये कि आपको उसको डायग्राम बनाना आपको ज़रूर आना चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। डायग्राम से पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है, इसी के बेस पे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन लिया है वो कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू सोलह माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो से प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसके अंदर क्या है, आपको अगर ध्यान से देखो तो ये क्लियर जो है आपके सर्कल है जिसका सेंटर जीरो जीरो है, वास्तव में अगर इसको सही करो तो ये कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब सेंटर इसका 0, 0 और रेडियस कितनी बनी इसकी 4। तो सीधी सी बात है, आप अगर आप चाहें तो वैसे भी इसने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया है, ठीक है, ये ओरिजिन, ये आपके एक्स एक्स डेज वाई वाई डेज, तो इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछा है, तो आपको मालूम है कि इसका टोटल एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर या फिर पाई ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, तो आपको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। आपको इस एरिया के अंदर पहले बात तो चौथा हिस्सा पूछा है, तो ये 1/4 कर दिया, फिर पाई और ए की वैल्यू आपके कितनी है 4, यानी कि 4 स्क्वायर, तो 1 4 से 1 4 कैंसिल, तो ये आपके क्या बचा 4 पाई स्क्वायर यूनिट, ये आपके डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। डायग्राम को आपको ट्रेस करना आना चाहिए तो आप इजी वे में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो।